और हमारे भाई लोग भी बहुत ज्यादा खुश है, कहे कि ऐसा कुछ हो चुका है हमारे साथ, तो थोड़ा हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले बहुत ही खास और स्पेशल जगह में। हमारे साथ अभी मोनू भाई है और राहुल भाई अभी घर से निकल चुके हैं जो कि आ रहे हैं। तो अभी राहुल भाई मिलेंगे साथ में और चलेंगे साथ में, राहुल भाई और हम और मोनू, कुछ खास स्पेशल जगह में। तो हमारा चेहरा कुछ है वैसा ही क्योंकि कुछ देर पहले सो के उठे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तभी चलने वाले हैं तो चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं और दिखाते हैं आगे का नज़ारा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे एक पार्क है, डेमो टॉक पार्क। तो अभी हम आ चुके हैं, हमारे साथ है मोनू भाई और राहुल भाई। अभी गन्ना का जूस पी रहे हैं, उसके बाद चलेंगे अंदर पार्क की ओर। अभी गन्ना का जूस पियेंगे साथ में और चलेंगे आगे की ओर। तो देख सकते हैं मोनू भाई बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि जूस कब मिलेगा, और राहुल भाई भी इधर है, अभी जूस पीने वाले हैं, गन्ना जूस पियेंगे, उसके बाद चलेंगे अंदर की ओर। पार्क में बहुत कम भीड़ है तो देखेंगे, थोड़ी देर घूमेंगे चारों तरफ पार्क का, उसके बाद चलेंगे और मौज लेंगे अंदर का। ये तो कैसा लग रहा है? दो गिलास निकालिए तो मज़ा आ रहा पीना। हाँ तो देख सकते हैं, पीना बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक लग रहा है। जैसा कि देख सकते हैं हम जूस पी चुके हैं और हमारे साथ अभी, अरे यार, हमारे साथ अभी राहुल भाई है, मोनू भाई है और हम तीनों भाई चलेंगे टिकट काउंटर में और टिकट कटवाएंगे, उसके बाद चलेंगे अंदर की ओर। तो आपको पार्क का कुछ नज़ारा दिखाते हैं, गर्ल्स गेट का डेमो टाउन पार्क है और इधर का भी नज़ारा देख सकते हैं जो काफ़ी शानदार है। यहाँ पार्किंग है बाइक खड़ा करने के लिए और इधर फोर व्हीलर, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और अभी हम चलेंगे अंदर की ओर। तो राहुल भाई और मोनू भाई अंदर गए हुए हैं टिकट लेने के लिए, तो अभी टिकट ले रहे हैं 3 टिकट, उसके बाद चलेंगे अंदर की ओर। तो टिकट हो गया, चलो। तो टिकट ले चुके हैं और अंदर की ओर हम जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी शानदार है, चारों तरफ का नेचर टाइप का नज़ारा है, मस्त है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस साइड का भी नज़ारा देख सकते हैं, तो चलिए अभी आगे का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये कॉलेज से उठा लिया, तो यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा है और आगे से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी दिखाते हैं आपको पीछे साइड का नज़ारा, ये पीछे का जो गेट है जहाँ से हम एंट्री किए हुए थे, काफ़ी शानदार है। और इधर भी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो अभी आगे चलेंगे और देखेंगे आगे का नज़ारा कैसा है, क्या है। तो आप ये साइड का भी नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। तो चारों तरफ घूमेंगे और चारों तरफ का नज़ारा लेंगे, देखेंगे और बताएंगे आप लोगों को कैसा है यहाँ का पार्क और कैसा नहीं। तो आगे एक भूत हवेली दिख रही है, तो भूत हवेली भी बंद है, उसमें कुछ है नहीं। तो देखेंगे खिड़की से दिखाएंगे, शायद कुछ दिखने को मिल जाए। तो देखते हैं क्या मिलता है अंदर। पहले काफ़ी अच्छा बना हुआ था, अब
काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। अरे इसमें कोई सीन हो गया था इसलिए बंद। तो देखते हैं अंदर में क्या है, कुछ होना तो चाहिए। काफी अच्छा अच्छा चीज बना हुआ है लेकिन पैसा तो अभी कुछ है नहीं, सब बंद हो चुका है। देख रहे इसको हाथ में शीशा पकड़ा दिया, देख सकते हैं काफी मस्त देख रहे। पहले नजारा हुआ करता था लेकिन अब कुछ नहीं, बंद हो चुका है। अभी चलेंगे आगे की ओर और देखेंगे आगे का नजारा। तो देख सकते हैं म्यूजियम चल गया है, अच्छा खासा म्यूजियम बर्बाद हो गया। तो पार्क के अंदर हम आ चुके हैं और सन्नाटा लग रहा है पूरा पार्क। पार्क में कुछ वैसा है नहीं, बस फूल पत्ती पेड़ पौधे है और झाड़ है, गुलाब ले जाएंगे, झाड़ उड़ है। तो फिर हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब ले लेंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा फूल भी लगा हुआ है साइड में, काफ़ी शानदार है। गुलाब गुलाब देखने में मन तो लग रहा है, गुलाब ठीक है, मन तो कर रहा कि फूल तोड़ के ले जाना। तो देख सकते हैं यहाँ एक हम लोग बैठे कैसे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है। बैठने के लिए बनाया हुआ छोटा सा रूम, बैठ सकते हैं छाया में, मतलब मजा ले सकते हैं, धूप नहीं पड़ता है यहाँ पे। काफी अच्छा ठंडा लग रहा है, काफी हवा भी आ रहा है क्योंकि तालाब बगल में है। तालाब देख सकते हैं, इसमें मछली भी बहुत ज्यादा होगा, अगर हम लोग चलेंगे तो मछली पकड़ सकते हैं। ये हम लोग के घर तरफ रहता तो काफी मजा आता मछलियों में, बट ज्यादा दूर नहीं है, बस 10 किलोमीटर है हम लोग के घर से दूरी है क्योंकि हम लोग सिंगल है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे भी कुछ नजारा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब सूख चुका है, पेड़ पौधे सब सूखा हुआ है। किधर को बैठाएगा तो मारेंगे ऊपर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में फूल वगैरह पत्ती झरना टाइप से बना हुआ है। यहाँ पर कमल हुआ करता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास, बस किसी ने यहाँ तक पहुँच नहीं दे रहा है। चलो आगे चलो। काफी सारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं और पौधे भी लगे हुए हैं और उसके बारे में बताया गया है, नाम भी लिखा हुआ है। काफी अच्छा नज़ारा है। अगर यहाँ आप गर्मी के महीने में आते हैं तो आपके लिए काफी बोरिंग जगह है, आप यहाँ ठंडे के मौसम में आ सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खराब है कंडीशन यहाँ का। और ये साइड देख सकते हैं बाथरूम है, लेफ्ट साइड बाथरूम है। और चलो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं है वैसा खास, चलो ऊपर चढ़ेंगे चलो। तो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं और आगे काफ़ी अच्छा बना हुआ चढ़ने के लिए, तो वहाँ चढ़ेंगे और मौज करेंगे। देखते हैं ऊपर में, हम ट्राइपॉड लाना भूल गए थे, हाथ काफ़ी दर्द दे रहा तो हाथ एक्सचेंज करना पड़ रहा है। और हवा भी काफ़ी मस्त चल रहा है, आज उतना धूप नहीं है। आ राहुल ऊपर चढ़ते आओ, चलो नया बनाया हुआ लगता, देख सकते हैं ये नया बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्त लग रहा देखने में। पेड़ का शेप डिज़ाइन काफ़ी मस्त है, नया नया लगता है बना हुआ है क्योंकि पहले था नहीं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तभी ऊपर की ओर चलेंगे और देखते हैं। अरे राहुल सीढ़ियाँ काफ़ी मस्त है और ऊपर की ओर चल रहे हैं। चलो देख सकते हैं नीचे का नज़ारा जो काफ़ी शानदार है, और नीचे साइड देख सकते हैं पार्क फूल पत्ती लगे हैं। तो बाइक कैमरा से आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, तो ऊपर से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है और ये साइड का भी नज़ारा देख सकते हैं, घर में अच्छा नज़ारा है। तालाब है वो साइड, तो वहाँ तालाब भी चलेंगे और तालाब का भी नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे फूल वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो
तो अभी चलेंगे नीचे की ओर, नीचे से दिखाएंगे आप लोगों को चारों तरफ का नज़ारा। तो ऊपर से भी हम नीचे की ओर जा रहे हैं और अभी चलेंगे नीचे की ओर। तो पता नहीं उन लोगों को कुछ लगा होगा शायद कि हम लोग कुछ करने आए, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, बस हम अपने घूमने आए थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। पता नहीं शक्ल देख के शायद लग जाता होगा, शक्ल से शायद लगता होगा, लेकिन वैसा हम है नहीं। तो अभी चलेंगे आगे की ओर और उन लोग को भी भगाएंगे आगे की ओर चलेंगे। वहाँ पर भी एक बैठे हुए हैं, उन लोग अभी वीडियो बना के उन लोग को भगाएंगे। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा है इस साइड का, जो पेड़ लगा अमरुद का और भी काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। और हमारे भाई लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है, कहा कि ऐसा कुछ हो चुका है हमारे साथ, तो थोड़ा मतलब इंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ताकि अभी हो गया थोड़ा सा। तो अभी चलिए आगे का दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो यहाँ से देख सकते हैं तालाब का काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और यहाँ से सामने से दिखाते हैं तालाब में पानी में पनडुब्बी है जो कि है काफ़ी अच्छे अच्छे है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ से शायद ना दिखे, कोशिश करेंगे दिखाने का। ये देख सकते हैं पनडुब्बी, वो साइड तो बहुत ज़्यादा है यार। अरे उधर जो मुंडी बाहर है वही सब का सब ये ड्रैगन है, डुबकी है, ये ड्रैगन है हमारे, वाटर ड्रैगन आई एम अंडर द ड्रैगन है, ये सब सी ड्रैगन। तो तालाब का नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, पार्क साइड ज़्यादा है, पार्क में दो तालाब है, एक यहाँ पे एक पीछे साइड था। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं, और इधर जंगल साइड जो कि हम इधर जाएंगे नहीं। तो अभी हम चलेंगे इस ओर, आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ वहाँ का नज़ारा। तो अभी हम उस साइड से इधर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा पैर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो अभी पानी देख रहे जहाँ मिल जाए हमें पैर हाथ धोने के लिए। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे, और काफ़ी मस्त लग रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। गर्मी का टाइम है, देख सकते हैं वहाँ रोमियो एंड रोमियो आगे उसकी जो भी रखती हो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वरना आपको बड़ा ख़राब फील होगा। यहाँ पर पानी है हमारे, तो पैर धो सकते हैं, तो पैर धो लेते हैं। काहे तू कर रहे रे, आराम से पैर होने दे। उन्हें इधर फायरिंग हो रहा है, पहुँचा भी नहीं आकर, छोड़ दो ना भाई। चलो फायरिंग फायरिंग रिकॉर्डिंग करते हैं। हो गया आपका पकड़ी, ये देख सकते हैं यहाँ पे फायरिंग चल रही है। देखा भी क्या होगा, ये अरे भाई मोबाइल में पड़ा गंदा वाला। मनो इधर इस पे खड़ी, इसको देख सकते हैं रोमियो एंड जूलियट। तो यहाँ देख सकते हैं राहुल भाई और मोनू भाई झूला का मजा ले रहे हैं झूल के। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और यहाँ पे ये साइड देख सकते हैं पानियों वाली फायरिंग हो रही है, जो काफ़ी अच्छा फायरिंग हो रही है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर पे पौधे बड़े बड़े होते तो यहाँ पे देख सकते हैं झूला बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, झूला वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ से देख सकते हैं पेड़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, छाए वाले पेड़, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है और काफ़ी मस्त है। 20 रुपये के लिए काफ़ी अच्छा पार्क है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो खाने के लिए कुछ ले आते आए साथ में, ताकि खा सके, भूख लगेगा तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं खाने के लिए और मिलता नहीं है। यहाँ पे भी फायरिंग हो रहा है, एक देख सकते हैं। रील्स वाला नहीं है, रील्स वाला वो खतरनाक था। तो
साइड से देख सकते हैं। और हमारे मोहन भाई ऊपर जा चुके हैं, स्लाइडिंग बना हुआ है तो वहाँ से बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल पार्क है खेलने के लिए, तो आप बच्चे वगैरह लेके आ सकते हैं और यहाँ से स्लाइडिंग कर सकते हैं। तो नहीं गिरेगा ना, डर लग रहा है। अरे नहीं गिरेगा ना। राहुल डर गया तो देख सकते हैं राहुल डर चुके। राहुल भाई नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही खतरा वाला जगह है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम चलेंगे आगे की ओर और आगे की ओर दिखाएंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे ही कुछ और भी नज़ारे। तो फिर से हम लोग फायरिंग पे आते हैं और फायरिंग से हाथ धोएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फायरिंग हो रहा है, फायरिंग कर सक काफ़ी मज़ा आ रहा है फायरिंग में। अरे साला भीग गया। तो अभी हम उधर से घूम के आ चुके हैं और जहाँ से हम छोड़े हुए थे वहाँ चलेंगे और आगे से भी देखेंगे। काफ़ी अच्छा नज़ारा है और सब पता नहीं कहाँ है ऐसा देख रहा है जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं। अरे भाई